जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आप फेसबुक और ट्विटर दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं, सर्च करें डॉक्टर ओमचो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने वालों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, और ज़्यादा सोचने से क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ती है, उन सभी पर हम आज आपको बताएंगे। देखिए, हर व्यक्ति के पास ये समस्या होती है, कोई के पास ये ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है, लेकिन इस समस्या से हम और आप सभी लोग जूझते हैं। एक सप्ताह में कभी न कभी जूझते हैं, और एक दिन में भी कई बार जूझ सकते हैं, लेकिन इस समस्या से हर एक व्यक्ति के साथ ये समस्या होती है। तो आप इस समस्या को इतना गंभीर भी न लें, ये गंभीर कब होगी हम इस पर भी बात करेंगे, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरी बात है, इसी में ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कम सोचें और अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सोचने का आपका वे है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरी बात है, ओवर थिंकिंग में एक सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। कोई घटना छोटी सी हुई, लेकिन उसके परिणामों को हम इतना डीपली सोच लेते हैं कि वो आने वाले 100 सालों में भी वो परिणाम नहीं दिखेंगे, आपके दिमाग में आपने सोचकर वो परिणाम भी हासिल कर लिए हैं। तो ये चीज़ें करना बंद कर दें। कोई भी घटना घटित हुई है, उसका स्वभाव है, और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं दोस्तों। ये हमको केवल प्राकृतिक स्वरूप में जीना है, एकदम शांत सुकून से। आपने देखा, प्रकृति कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिद करती है, वो अपने स्वरूप में शांति से जीती है। मानव भी प्रकृति का अंग है, लेकिन हम थोड़े से बुद्धिजीवी होने की वजह से एक अलग वे में सब चीज़ों को देखते हैं, लाभ हानि, हमारा लाभ हानि के नज़र से देखते हैं, तो ये एक चीज़ अलग हो जाती है। अब आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए, अब हम आप बात उस पर करना भी चाहेंगे। ये तो परेशानियों पर बात की, सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कहा कि कम सोचे, अच्छा सोचे। दूसरी बात है कि नेगेटिविटी से दूर रहे। क्या होता है, नकारात्मकता जितनी होती है वो सोचने पे मजबूर कर देती है। तो आप पॉजिटिव माइंड सेटअप रखें, अपना एटीट्यूड जो है, अपना स्वभाव बिल्कुल सकारात्मक रखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरी चीज़ है, चीज़ों को समझें, उनमें उलझें ना। समझने और उलझने में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उलझने की कोशिश ना करें। चौथी बात है, किसी भी कार्य को बहुत शांति से करें, सुकून से करें, उसके रास्ते क्या है इन चीज़ों का आप पता लगाएं, और फिर उस वर्क को, उस काम को करें। अब हमें रास्ता पता ही नहीं, हम चले गए, मतलब रास्ता किसी को भी पता नहीं होता है, किसी वर्क बहुत से ऐसे काम होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जानकारी होती है उस विषय की, वो जानकारी लेकर काम करें। हमें जानकारी का अभाव होता है, और वो अशिक्षा की वजह से हम फिर दुखी होते हैं। अज्ञानता ही दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण है, अज्ञानता। इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी विषय पर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहें, वो भी आपको ओवर थिंकिंग से बचा पाएगा। तो ज्ञान लेते रहें और खुश रहते रहें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सामान्य बातें हैं, हर राशि पर ये लागू होती है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।